बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास गेस पेपर 2020 गेस 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ को, फिर हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरेटिकल्स भी हैं। आपके पास जो टोटल पेपर है फिजिक्स का वो है आपके पास 60 मार्क्स का, 12 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, 30 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड 18 मार्क्स के आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। चैप्टर नंबर 10 के जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टोटल 15 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस 5 ईयर से पास्ट पेपर से कंडक्ट किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, इनमें से कौन सी हसूसियात दूसरी हसूसियात पर मुनहजिर नहीं करती, ऐसी हसूसियात जो दूसरी हसूसियात पर इन्हेसार ना करती हो उसको हम, वो कौन सी वेव है, वो हमारे पास है वेवलेंथ। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रहती हैं, किस सेंस में, स्पीड की सेंस में। व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 1.0 मीटर देन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, एक मीटर लंबाई के साथ पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 1.99 सेकंड। नंबर 4 है हमारे पास वेव इक्वेशन इज, वेव इक्वेशन क्या है, एफ लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मुंतजा जैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, कंडक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, वेव मोशन भी होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस, रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 7 है वेव ट्रांसफर, वेव मुंतकिल होती है किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज, स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√Tm/K। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है, K इज इक्वल टू -F/x। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान मुद्दजा जैल में से कौन सी मिकदार चेंज नहीं होती, इसकी स्पीड तब्दील नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है, हेलिक स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर अ वेव इज गिवन बाय, एक वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान तल्लुक क्या होता है, एफ लैम्डा ओवर वी। टाइप्स ऑफ वेव्स आर, वेव्स की बुनियादी कितनी इकसाम है, दो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इन मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिस्टोरिंग फोर्स इज डिवाइडेड बाय, इज प्रोड्यू इज प्रोवाइडेड बाय, सीधा पेंडुलम को हरकत करते हुए रिस्टोरिंग फोर्स मुहैया करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर्मूला ऑफ हुक्स लॉ का कानून हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू -KX। याद रखें चैप्टर नंबर 10 के आपसे हमारे पास जो गैस पेपर हैं, 15 इंपॉर्टेंट गैस पेपर हैं, इसमें से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक एमसीक्यूज बोर्ड में लाजमी आएगा, इसको लाजमी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 10 से याद रखें तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 10 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास गैस पेपर में 14 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें से इंशाल्लाह तीन गैस पेपर लाजमी आएंगे। डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, वेव की डिफ्रैक्शन की तारीफ करें। डिफाइन ट्रांसफर वेव्स, ट्रांसफर वेव्स की तारीफ करें। What is meant by damped oscillation? Damped oscillation से क्या मुराद है? Define refraction of waves, wave की refraction की तारीफ करें। Question number 5 है, define time period, also write the formula of time period. Time period की तारीफ करें, means time period का formula भी लिखिए। 6 है हमारे पास, define simple harmonic motion, also write its formula.
सिंपल हार्मनी मोशन की तारीफ करें, इसका फार्मूला भी आगज कीजिए। व्हाट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम, राइट डाउन इट्स इक्वेशन फार्मूला। सादा पेंडुलम से क्या मुराद है और इसकी फार्मूला भी और इसका फार्मूला भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है, इसका फार्मूला भी लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन डिस्टोर्डिंग फोर्स, डिस्टोर्डिंग फोर्स की तारीफ करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में फर्क क्या है। स्टेट हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का कानून बयान करें। व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, इसका यूनिट भी लिखिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 के, देख लें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रूव दैट मास ऑफ मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक्सप्लेन हाउ डैम्प्ड प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स एंड इट्स टाइप्स, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट तरीन फोर न्यूमेरिकल्स हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, फला फला। अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो न्यूमेरिकल्स की सेंस में, वो हमारे पास क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट द लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट MCQs, important long short questions, important long questions and numericals. Ladies and gentlemen, boys and girls, males and females, attention हो। सबसे पहले देखें गैस पेपर 2020, ठीक है, हमारे पास गैस पेपर फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात कंपलसरी, पाक स्टडीज एंड मैथ्स के गैस पेपर अवेलेबल है। सबसे पहले देखें फिजिक्स के गैस पेपर अवेलेबल है हमारे पास, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। टोटल आपके पास चैप्टर कितने हैं, 10 टू 18 चैप्टर है आपके पास टोटल। ये देखें चैप्टर नंबर 10 के MCQs इंपॉर्टेंट, फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। इसी तरह चैप्टर 12 है, इसी तरह देख ले चैप्टर 13 है, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 14 के देख लें, चैप्टर नंबर 15 है, 16, 17 एंड लास्ट में देख लें चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अब देखें इसी तरह हमारे पास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गैस पेपर हैं 9 to 16 चैप्टर, ये देखें चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट MCQs हैं, फिर उसी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट ये देख लें, चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 15 है एंड इसी तरह लास्ट में हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट MCQs हैं एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास है बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर हैं, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 टू चैप्टर 18, ठीक है। ये देख लें चैप्टर लास्ट वाला भी देख लें, चैप्टर नंबर 18 के हमारे पास कंप्लीट MCQs एंड प्लस उसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंस है चैप्टर 1 से लेकर देख लें चैप्टर 7 तक अवेलेबल हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखें आपके पास क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन में MCQs, MCQs में क्या आता है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर पोर्शन का। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आती हैं, ट्रांसलेशन आती है, ऐसे आता है, पैराग्राफ आता है, पेरो वर्ड्स आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इस इंग्लिश के भी हमारे पास सारे के सारे इंग्लिश के गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, ये देख लें, ये आप देख लें, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, स्पेलिंग करेक्शंस हैं, चूज द करेक्ट अंडरलाइन वर्ड है और ग्रामर पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी तरह देख लें बुक्स के क्वेश्चंस हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। और इसी तरह देख लें
ये पैराग्राफ हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सब लेसन्स के अवेलेबल हैं, सब लेसन्स के अवेलेबल हैं। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इन एग्जाम्स 2020 इंशाल्लाह। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऐसे के भी इंपॉर्टेंट, ऐसे के भी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी अवेलेबल हैं, ये देख लें। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इन डायरेक्ट भी हैं, इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ उर्दू टू इंग्लिश भी है। ये हमारे पास कंप्लीट गेस्ट पेपर 2020 अवेलेबल है। तुम्हें हमारे पास क्या है, इस है नसर है, नज़म है, गज़ल है, क़वादिल इंशा है, नज़म गज़ल के अशार है, सलीस है, तशरी खुलासा मज़मून है, इबारतें हैं, ये देख लें। MCQs हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से आप तैयारी करते हैं तो ए प्लस मार्क्स ग्रंटेड आपके आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास क्या है, इस्लामियात की सूरतें हैं, आयात हैं, हदीस हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट आयात हैं, ये देख लें, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है। 2019 में जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर परचेज किए थे उन स्टूडेंट्स के 450 प्लस मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। अब देख लें, अब हम पास कर बात करते हैं पाक स्टडी की। पाक स्टडी के हमारे पास देख लें चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट MCQs, देन उसके इनर बैक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर 7 है हमारे पास, इसी तरह चैप्टर 7 के बैक शॉर्ट क्वेश्चंस, इनर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसी तरह हम बात करते हैं लास्ट वाले चैप्टर की, लास्ट वाले चैप्टर में देख लें चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट MCQs हैं एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं मैथ साइंस गेस्ट पेपर 2020 की। मैथ्स के भी गेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, ये देख लें, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये देख लें चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर 2 है, तकरीबन सारी चैप्टर बुक के इंपॉर्टेंट गैस, ये देखें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, ये देख लें आप, चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 12 की, चैप्टर नंबर 13 की, ये देख लें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप इन गेस्ट पेपर को बाय करना चाहते हैं, इन सारे गेस्ट पेपर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये देख लें, और इन गेस्ट पेपर्स को अगर आप अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर कीजिए, ठीक है। इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है वो है हमारे पास ओनली ऑन 950 रुपीज़, 950 रुपये के सिर्फ गेस्ट पेपर हैं, जिसमें ऑल टू ऑल चार्जेस अवेलेबल हैं। TCS वाला आदमी आपके घर ये नोट्स पकड़ा के जाएगा, आपने सिर्फ पेमेंट करनी है 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़, जिसमें आपके पास डिलीवरी चार्जेस भी शामिल हैं जी। यहाँ पे करते हैं लेक्चर को कंप्लीट। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास टोटल 10 MCQs हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें से हमारे पास 1 MCQs लाजमी आएगा। 1 बेल इज इक्वल टू, एक बेल किसके इक्वल होता है, 10 डेसिमल के। SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या है, WM-2। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड क्या होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल कौन सी है, साउंड वेव्स। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, साउंड की लाउडनेस का इनसार ज्यादातर होता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। 6 वाला है हमारे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर, हवा में साउंड की स्पीड क्या होती है, 1246 किलोमीटर पर आवर। फॉर आर नॉर्मल पर्सन ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन, एक आम आदमी के लिए काबिले समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है, 20 Hz to 20 kHz। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंटेंसिटी साउंड लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ लीव्स इज, पत्तों की सरसराहट का इंटेंसिटी लेवल क्या है, 10 dB। साउंड इन अ फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी की किस्म है, मैकेनिकल। विच ऑफ दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसिंग एंड रियर फ्रैक्शंस, इनमें से कौन सी वेव कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन पर मुश्तमिल होती है, साउंड वेव्स।
यहां से याद रखें चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास 8 एमसीक्यूज 100% पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 11 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के असरात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, शोर और म्यूजिक में फर्क तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एक्यूटिस, सूती निगाहबानी की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर पर सेकंड है, जबकि साउंड की स्पीड भी आपको बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इट्स यूनिट, इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, नीज इसका यूनिट भी लिखिए। हमारे पास आगे क्या है डिफाइन पिच ऑफ साउंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, साउंड की पिच की तारीफ कीजिए, साउंड की पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की दो खासियत लिखिए। व्हाट इज मीन बाय साउंड लाइक विजल, बे आवाज सीटी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास डिफाइन क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड की तारीफ करें। 11 है हमारे पास व्हाट इज मीन बाय इको ऑफ साउंड, साउंड की इको से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास डिफाइन अल्ट्रासाउंड एंड गिव इट्स यूज, अल्ट्रासाउंड की तारीफ करें और इसका इस्तेमाल भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज मीन बाय सुनार, आल्सो राइट टू एडवांटेजेस ऑफ सुनार, सुनार से क्या मुराद है, नीज सुनार के दो फायदे भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास व्हाट इज नॉइज, राइट इट्स सोर्सेज, शोर से क्या मुराद है, इसके ज़राए भी बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज मीन बाय ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, काबिले समाज साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या फर्क है। इसके बाद हमारे पास 17 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफरेंशिएट बिटवीन द पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या फर्क है। गिव टू फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ डिपेंड साउंड डिपेंड, दो ऐसे अवामिल बताइए जिन पर आवाज की लाउडनेस का इन्हिसार है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंडनेस की लाउडनेस की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मैकेनिकल मेडिसिन फील्ड, अल्ट्रासाउंड के तिब में दो इस्तेमालात लिखिए। और अब हमें क्या आ रहे हैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है राइट आर नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की खासियत इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट बट आर द एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इफ एड अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इन 80 डीबी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ देयर, अ स्टूडेंट्स क्लैप्ड हर हैंड नियर अ क्लिफ एंड हार्ट द इको आफ्टर 5 सेकंड, एक तालिबे इल्म एक पहाड़ी के करीब तालिब जाता है और 5 सेकंड के बाद गूंज सुनता है, तालिबे इल्म का इस पहाड़ी से फासला कितना है अगर साउंड 346 मीटर पर सेकंड हो। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। नंबर 14 है हमारे पास अ साउंड वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल बी ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। और हमारे पास क्या है एग्जाम्पल भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज स्क्रीन 1.5 सेकंड्स अर्लियर देन द टेंडर, हाउ फार अवे इन द क्लाउड इन विच द फ्लैश अकर्स, आसमानी बिजली की रोशनी की गरज की साउंड से 1.5 सेकंड पहले दिखाई देती है, बताइए बादलों में ये चमक नुमा होगी और वो कितनी दूर होगी। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 11 के MCQs। याद रखें चैप्टर नंबर 11 से जो MCQs आएंगे वो हमारे पास एक MCQs इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर जो आगे न्यूमेरिकल्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वहां से 100% हमारे पास चांस लेस चांस है आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि चैप्टर नंबर 10 से वो आपको न्यूमेरिकल देगा या
लॉन्ग क्वेश्चन देगा, ठीक है। अगर आप इन गेस्ट पेपर को बाय करना चाहते हैं, इन सारे गेस्ट पेपर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये देख लें, और इन गेस्ट पेपर्स को अगर आप अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर कीजिए, ठीक है। इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है वो है हमारे पास ओनली ऑन 950 रुपीज़, 950 रुपये के सिर्फ गेस्ट पेपर हैं, जिसमें ऑल टू ऑल चार्जेस अवेलेबल हैं। TCS वाला आदमी आपके घर ये नोट्स पकड़ा के जाएगा, आपने सिर्फ पेमेंट करनी है 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़, जिसमें आपके पास डिलीवरी चार्जेस भी शामिल हैं जी। यहाँ पे करते हैं लेक्चर को कंप्लीट। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 12 हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। याद रखें यहां से कितने एमसीक्यूज आएंगे, आपके पास दो एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 12 से आपके पास कितने एमसीक्यूज आने हैं, दो एमसीक्यूज आने हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहीं से ही आएंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पानी में रोशनी की स्पीड हमारे पास कितनी होती है, 2.3 × 10⁸ m/s, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, लेंस की पावर किसके इक्वल होती है, 1/f के। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज, पानी का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 48.8। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मेड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन, कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस किस्म का इमेज बनता है, इनवर्टेड एंड विर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन द, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार किस पर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आईज इज, बर्फ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.31। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज आ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन, कन्वेक्स लेंस स्क्रीन पर किस इमेज का इमेज बनता है, अपराइट एंड विर्चुअल। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड, आंख के लेंस की फोकल लेंथ में तब्दीली क्या कहलाती है, अकोमोडेशन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कितना होता है, 1.33। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज, हीरे का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव, हीरे का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 2.42। If the image is virtual, then its distance from lens is taken. अगर इमेज वर्चुअल हो तो इसका लेंस से फासला कितना होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। द फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, F is equal to R over 2। याद रखें चैप्टर नंबर 12 से आपसे दो MCQs आएंगे, यहां पे हमारे पास कितने गिवन है, टोटल 12 MCQs हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहीं से दो आएंगे, आपने भरपूर तरीके से तैयारी करनी है इसकी। अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 12 में से। द फर्स्ट वन इज द स्नेल लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला, स्नेल के कानून की तारीफ करें और फार्मूला भी लिखिए। गिव टू टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप, एंडोस्कोप की इकसाम के नाम लिखिए। डिफाइन क्रिटिकल एंगल, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है और इसकी हिसाबी मसावात भी लिखिए। डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की तारीफ करें। व्हाट इज मीन बाय रिजोल्विंग पावर, रिजोल्विंग पावर से क्या मुराद है। डिस्क्राइब द लॉज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन, लाइट रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन तहरीर करें। डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स यूनिट, लेंस की पावर की तारीफ करें और फार्मूला भी लिखिए। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस की तारीफ करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्रैक्शन, बाकायदा और बेकायदा रिफ्लैक्शन में फर्क वाजिया करें। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी की रिफ्लैक्शन के कवानीन बयान कीजिए। व्हाट इज लाइट पाइप, लाइट पाइप क्या होता है, मीन्स लाइट पाइप के मेडिकल में इस्तेमालात लिखिए। इसके बाद है हमारे पास डिफाइन टर्म रिजोल्विंग एंड मैग्नीफाइंग पावर, रिजोल्विंग और मैग्नीफाइंग पावर की
खसूसियात बयान कीजिए, इस्लाहात डिफाइन मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से क्या मुराद है, डिफाइन पोल एंड शोर्ट्स डायग्राम, पोल की तारीफ करें और डायग्राम भी बनाइए। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द डायग्राम, रिफ्रैक्शन क्या है डायग्राम से इसकी वजाहत करें। व्हाट इज मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। डिफाइन साइडेडनेस, करीब नजरी से क्या मुराद है। डिफाइन नियर पॉइंट ऑफ आई, आंख के नुक्ता करीब से क्या मुराद है। डिफरेंशिएट बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई से फर्क, दो फर्क बयान कीजिए। याद रखें चैप्टर नंबर 12 में से आपसे दो एमसीक्यूज लाजमी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं 100% या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, या तो वो न्यूमेरिकल दे सकता है, या वो एग्जाम्पल दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास है एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड आल्सो राइट इट्स कंडीशंस। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन लाइट प्रोपागेटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है। बयान कीजिए कि रोशनी किस तरह इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए ऑप्टिकल फाइबर्स में से गुजरती है। राइट अ नोट ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर नोट लिखिए। और अब आगे हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसको आपने अपने एग्जाम्स में लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। और आगे चैप्टर नंबर 12 की एग्जाम्पल्स भी हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने बुक्स खोलें और अपनी बुक्स पे निशान लगाना शुरू कर दें चैप्टर नंबर 12 की एग्जाम्पल्स के। यहाँ से 100% इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहीं से आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन से। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए, इन सब नोट्स की प्राइस है। अगर आप इन नोट से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में। आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीज़। कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़ है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला, एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा। और आपने कितने पैसे अदा करने हैं, सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करें। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। चैप्टर नंबर 13 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है। एफ ओवर क्यू नोट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम। इन ब्लॉक डीसी कन्वर्टर बट अलाउ एसी करंट टू पास थ्रू द सर्किट, डीसी करंट को नहीं गुजरने देता लेकिन एसी करंट को सर्किट में से गुजरने देता है कौन, कैपेसिटर। ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, फैरड। द ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का ऐसे यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम। द कूलम लॉ इज, कूलम का कानून का फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसमें होती हैं, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर विच इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कितने ऐसे अवामिल हैं जो कैपेसिटर पर चार्ज जहीरा करने की सलाहियत पर असर अंदाज होते हैं। 3 इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो इस्तेमाल होता है डिटेक्टिंग अ चार्ज, चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। इन मीका कैपेसिटर द डाई इलेक्ट्रिक इज, अबार कैपेसिटर में बतौरे इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होता है कौन, पेपर। द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q over V. If the medium between the two charges is air, then the value of K will be. कूलम के कानून में K की कीमत क्या होती है हमारे पास,
के की कीमत होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁶ की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर सी माइनस टू। द वैल्यू ऑफ के इन एस आई इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का न्यूटन मीटर स्क्वायर के माइनस टू। कंबिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके कितने मौजूद हैं? दो। याद रखें चैप्टर नंबर 13 में आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा। अब आगे हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में इंशाल्लाह, इसी में से आएंगे। अब देख लें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो खासियत तहरीर करें। Define volt and also write its formula. Volt की तारीफ करें, उसका formula भी तहरीर करें। In which form a capacitor stores energy? Capacitor energy को किस तरह store करती है? Write the name of two types of capacitor and give one example it. Capacitor की दो इकसाम के नाम लिखिए और हर एक की एक मिसाल दीजिए। Define electric lines of force. Electric lines of force की मिसाल तारीफ कीजिए। Define Coulomb law and also write its formula. Coulomb के कानून की तारीफ करिए। What is electrostatic induction? Electrostatic induction किसे कहते हैं? How charge is produced? Give one example. Define electric field. Define electric field intensity. Write it as a unit. ये हमारे पास याद रखें, very 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 important short questions हैं। Write two uses of capacitor. Write the hazards of electricity. Define electric potential and write its unit. Define electric field lines. Who introduced them? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या मुराद है, इसको किसने मुतारिफ करवाया? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप? आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और इसका फंक्शन भी लिखिए। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप? आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर का कैसे पता लगाएंगे? डिफाइन फैराड। फैराड की से क्या मुराद है, इसका फार्मूला भी लिखिए। Define capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor. Capacitor की capacitance से क्या मुराद है? What is Golub electroscope? Golub electroscope हमारे पास क्या है? याद रखें चैप्टर नंबर, ये हमारे पास 13 है, इसका हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखें न्यूमेरिकल्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 13 में ये आपसे पूछ सकता है। देखें हमारे पास 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 13। और एक आधी इक्का दुक्का एग्जांपल है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल्स की सेंस में। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए। इन सब नोट्स की प्राइस है, अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में। आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीज़। कितनी? 950 रुपीज़। सिर्फ कितनी? 950 रुपीज़। सिर्फ 950 रुपीज़ है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला। एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा। और आपने कितने पैसे अदा करने हैं? सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, चैप्टर नंबर 14 में से आपसे दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सबसे पहला है हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ ओहम्स लॉ इज। ओहम के कानून के हिसाबी मसावात क्या होती है? V इज इक्वल टू आई आर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है? ओहम। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ लैंप कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज। के सोर्स के जोड़ने के लिए एक लैंप की पावर की शरह है 2.8 करंट बाहर जा रहा है, तो इसकी वोल्ट में हमारे पास आंसर क्या है? 30 वोल्ट। द यूनिट ऑफ करंट इज। करंट का यूनिट हमारे पास क्या है? करंट का यूनिट हमारे पास क्या है? एम्पेयर। फार्मूला ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू, ई एम एफ का फार्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर। में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की शरह क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओहम रेजिस्टेंस व्हेन 3 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू इट।
एक 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में से 3 एम्पीयर का करंट गुजरता है इस रेजिस्टेंस के अतराब वोल्टेज क्या होगी 18 वोल्ट। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ करंट इज, करंट की हिसाबी शक्ल क्या होती है I इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, याद रखें चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है इफ क्यू पॉइंट, इफ 0.5 सी चार्ज पास थ्रू अ वायर इन 10 सेकंड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू वायर्स। एक तार में 0.5 चार्ज 10 सेकंड में से गुजरता है तो तार में कितना करंट बहेगा। डिफाइन करंट आल्सो राइट इट्स एस ए यूनिट। डिफाइन एम्पेयर, एम्पेयर की तारीफ करें। डिफाइन कन्वर्जनल करंट, कन्वर्जनल करंट की तारीफ करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फॉर करंट, करंट की पैमाइश के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है। एट है हमारे पास व्हाट इज मीन्ड बाय ईएमएफ, ईएमएफ से क्या मुराद है। नाइन वाला डिफाइन ओहम्स लॉ एंड राइट इट्स इक्वेशन, ओहम्स के कानून की तारीफ करें और इसका फार्मूला भी लिखिए। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड आल्सो इट्स एसआई यूनिट। डिफाइन ओहम्स, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ कीजिए और इसका यूनिट भी लिखिए। आगे है हमारे पास डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेट कंडक्टर और इंसुलेटर की तारीफ करें। डिफाइन इंसुलेटर एंड गिव वन एग्जाम्पल, इंसुलेटर की तारीफ, इंसुलेटर से क्या मुराद है इसकी एक मिसाल दीजिए। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 के जो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से वो 100% आपसे वो पूछ सकता है। ओम्स का कानून बयान कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डिफाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट। डिफाइन जूल लॉ एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ से हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर याद रखें, चैप्टर नंबर 14 से 100% वो एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख ले, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर के इतराब पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर इस कंडक्टर में 1.5 एम्पीयर करंट बह रहा हो तो इस करंट से 2 मिनट में कितनी एनर्जी हासिल होगी। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस। याद रखें चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए। इन सब नोट्स की प्राइस है, अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में, आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीस। कितनी 950 रुपीस, सिर्फ कितनी 950 रुपीस, सिर्फ 950 रुपीस है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला। एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा और आपने कितने पैसे अदा करने हैं, सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करें। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। चैप्टर नंबर 15 के हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टोटल 10 है और यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा चैप्टर नंबर 15 से। याद रखें चैप्टर नंबर 15 और 16 में मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, साथ साथ सुनते जाएं। द ट्रांसफॉर्मर्स वर्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मर्स, काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल किया जाता है कीमत बदलने के लिए वोल्टेज। द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इज 10, अगर ट्रांसफॉर्मर्स के चक्रों की निस्बत 10 हो तो वो क्या होगी, NS इज इक्वल टू 10P। द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स क्या होती हैं, हैज मोर टर्न्स इन द प्राइमरी कोल। DC मोटर तब्दील हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स
द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कॉइल एवरी हाफ सर्कल। साइकिल डीसी मोटर का कौन सा हिस्सा हर आधे घंटे साइकिल के बाद कॉइल में बहने वाले करंट की सिमत को जाहिर करता है? ब्रशीज। सेवन वाले हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिडक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल की जाती है। द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज म्यूचुअल इंडक्शन की मिसाल हमारे पास क्या है? ट्रांसफॉर्मर्स। द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड ईएमएफ इन सर्किट इन अकॉर्डिंग टू विद द कन्वर्जन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत सर्किट में कन्वर्सेशन के कानून के मुताबिक होती है किसके? एनर्जी के। इफ वी इंक्रीज करंट ऑन वायर परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर विल बी क्या होगी? ये इंक्रीज होगी। इस याद रखें चैप्टर नंबर 15 में से आपसे 10 एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह यहां से एक एमसीक्यूज आएगा। और अब हम बात करते हैं इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस की भी, तीन शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से आएंगे। राइट द नेम ऑफ टू फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असर अंदाज होने वाले दो वामिल के नाम तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का असूल बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी कोल आर यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड राइट देयर नेम्स। ट्रांसफॉर्मर्स में कितने कोयल इस्तेमाल होते हैं इनके नाम लिखिए। राइट द यूज ऑफ रिले, रिले का इस्तेमाल लिखिए। व्हाट इज डीसी मोटर, डीसी मोटर क्या है हमारे पास? डिस्क्राइब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का असूल लिखिए। डिफाइन लेंसेज लॉ, लेंसेज के कानून की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या मुराद है? हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। दाएं हाथ का असूल इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड की सिमत कैसे मालूम कर सकते हैं? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है? डिस्क्राइब फैराडे लॉ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का कानून बराए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बयान कीजिए। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप एंड स्टेप ट्रांसफॉर्मर्स में क्या फर्क है? क्वेश्चन नंबर 14 है राइट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, आल्सो राइट द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स का असूल लिखिए और ट्रांसफॉर्मर्स के इस्तेमाल भी लिखिए। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड मोटर, जनरेटर और मोटर में नुमाया फर्क बयान कीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर की तारीफ करें। याद रखें चैप्टर नंबर 15 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन है। और एक और जो खुशखबरी मैंने देनी थी चैप्टर नंबर 15 से, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ना तो न्यूमेरिकल आएगा ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए। इन सब नोट्स की प्राइस है, अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 2020 में आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीज़। कितनी? 950 रुपीज़ सिर्फ। कितनी? 950 रुपीज़ सिर्फ। 950 रुपीज़ है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला। एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा। और आपने कितने पैसे अदा करने हैं? सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। चैप्टर नंबर 16 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास टोटल 10 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक लाजमी आएगा। द इक्वेशन ऑफ नॉट ऑपरेशन इज नन ऑपरेशन की मसावात क्या होती है? ए इज इक्वल टू ए बार। क्वेश्चन नंबर 2 है द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज जीरो। NAND गेट की आउटपुट जीरो होगी अगर A इज इक्वल टू वन हो जाए, B इज इक्वल टू वन हो जाए। इन CRO द पोटेंशियल ऑफ ग्रिड इज, CRO में ग्रिड का पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव।
The output of OR gate will be 0 when OR gate. OR gate की output 0 होगी जब A is equal to 0 and B is equal to B 0 आ जाएगा. AND gate can be formed by using two gates. AND gate जैसी output जिनमें दो gates इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? NOR gate. The component of cathode rays are, cathode rays हिस्सों किस हिस्सों पर मुश्किल होते हैं? कितने हिस्सों पर मुश्किल होते हैं? 3. Which logical operator is performed by this gate? इस गेट में logical operation हासिल होता है NAND gate. If x is equal to a dot b, then x is equal to 1. When x is equal to a dot b हो तो x level 1 पर होगी अगर a is equal to 1 और b is equal to 1 हो. ठीक है. The process by which electrons are emitted by hot metal surface is known as, ऐसा तरीका जिसमें गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स हारिज हों क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस, कैथोड की सतह से हारिज होने वाले पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. याद रखें चैप्टर नंबर 16 से आपसे एक एमसीक्यू आएगा बोर्ड में. अब आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की. चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से कितने आएंगे? दो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछे जाएंगे. Write difference between ADC and DAC. What is meant by AND operations? AND operation से क्या मुराद है? Write a truth table and AND gate. AND gate का truth table बनाइए. Define digital quantity and give example. Digital मिकदारों की तारीफ करें और मिसालें दें. Define digital operators. Digital electrons, digital electrons की तारीफ करें. Question number 6 है हमारे पास. Write the two uses of cathode rays, oligoscope, cathode ray, oligoscope के दो इस्तेमालात तहरीर करें. Question number 7 है. What does CRO stand for? CR stand किस कम हॉफफ है. Define Boolean algebra, how it is represented. Boolean algebra की तारीफ करें और इसे किसे जाहिर किया जाता है. Question number 9 है हमारे पास. Define a long quantity and a log quantity and give one example. Analog مقداروں کی تعریف کریں. What is meant by logic state? Logic state سے کیا مراد ہے؟ Write two parts of CRO. CRO کو دو نام لکھئے. Define thermionic emissions. Thermionic emissions سے کیا مراد ہے؟ Define electronics کی تعریف کریں. What is the difference between analog electronics and digital electronics? Question number 15 है. Write the name of factors increasing the thermionic emissions. Thermionic emission बनाने के लिए अनासिर के नाम लिखिए. याद रखें यहाँ से चैप्टर नंबर 16 से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं. और चैप्टर नंबर 16 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 के लेस इंपॉर्टेंट है. हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है. इसको आपने सेकेंड प्रायोरिटी पे करना है. ठीक है. Electronic gun and thermionic emissions. Explain the working of two parts of oscilloscope. What is the difference between oscilloscopes? What is cathode rays, oligoscopes? Explain the function of electronic gun. What do you understand digital and analog quantities? Define OR operations. Give its truth table. यहाँ मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये हमारे पास less important है chapter number 16 में से. अगर आप इन सब notes को buy करना चाहते हैं तो इस number पे order दीजिए. इन सब notes की price है. अगर आप इन notes से तैयारी करते हैं you will gain 450 plus marks इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में. आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं. इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीज़. कितनी? 950 रुपीज़. सिर्फ कितनी? 950 रुपीज़. सिर्फ 950 रुपीज़ है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं. आपने सिर्फ क्या करना है? ऑर्डर देना है TCS वाला. एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा. और आपने कितने पैसे अदा करने हैं? सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं. अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी. यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की.
चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जो याद रखें चैप्टर नंबर 17 में से हमसे दो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 17 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर का बुनियादी ऑपरेशन क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। 1 megabyte इज इक्वल टू 1025 kilobyte, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन, इन कंप्यूटर मेटालॉजी टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, रॉ डाटा। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मेमोरी। नंबर 7 है विच इज नॉट प्रोसेसिंग, किसको वो गैसिंग नहीं करता, गैदरिंग को। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन, टेलीफोन को इजाद किया 1876 में। 1 byte इज इक्वल टू, 1 byte किसके इक्वल होती है, 8 bits के। फ्रॉम विच द फॉलोइंग यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, मुद्दे जैल में से किससे आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इंटरनेट से। लास्ट वाला विच इज द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ, माइक्रोवेव्स। यहां से याद रखें चैप्टर नंबर 17 से आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन शो, दो एमसीक्यूज आएंगे 100% इंशाल्लाह तबारक व तआला यहीं से ही आएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, हमारे पास चैप्टर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी वो है हमारे पास, देख लें, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आल्सो राइट टू यूजेस, कंप्यूटर से क्या मुराद है, कंप्यूटर के दो इस्तेमाल तहरीर करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम में क्या फर्क है। व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट, इंटरनेट से क्या मुराद है। डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है। राइट अ नोट ऑन फैक्स मशीन एंड आल्सो राइट इट्स फंक्शन, फैक्स मशीन पर नोट लिखिए और इसके फंक्शन, फैक्स मशीन पर नोट लिखिए, इसका काम भी लिखिए। आगे है हमारे पास राइट डाउन द टू यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के दो इस्तेमाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के 4 इस्तेफाए तहरीर करें। डिफाइन डाटा, डाटा की तारीफ करें। राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो हिस्सों के नाम लिखिए। व्हाट इज फोटोफोन, डाटा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन टेली कम्युनिकेशन, व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लो हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज सेलफोन, सेलफोन क्या है, डाटा मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड द लास्ट वन इज डाटा, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखें अगर आप इन गैस पेपर को अच्छी तरह करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। याद रखें अगर आप चैप्टर नंबर 17 के, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 17 में सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आएगा एक भी, सिर्फ हमारे पास क्या आएंगे, सिर्फ इसके लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू वायर्स, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियोज। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजमेंट, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड आल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। यहां पे हमारे पास सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन है, ना कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन है। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए, इन सब नोट्स की प्राइस है। अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में, आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ 950 रुपीज़। कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़ है इन सब गैस पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला, एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा। और आपने कितने पैसे अदा करने हैं, सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है।
चैप्टर नंबर 18 के हमारे पास टोटल 11 एमसीक्यूज हैं। इंशाल्लाह यहां से एक एमसीक्यूज 2020 में लाजमी आएगा। सेफ लिमिट ऑफ रेडिएशन एक्सप्लोर्स इज ईयर इन रेडिएशन की महफूज हद एक साल तक हमारे पास होती है 5 REM। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इन ईयर, कार्बन की हाफ लाइफ सालों में 5730 ईयर्स होती है। वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, फाइंड द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन द आइसोटोप्स। यूरेनियम का एक आइसोटोप्स 238 की बेस 92 है। इस आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? 146। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ट्राइटियम, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 2। इन U3592 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द हाफ लाइफ ऑफ लेड इज, लेड की हाफ लाइफ कितनी होती है? 10.6 आवर्स। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस, द प्रोसेस वुड, जब एक भारी न्यूक्लियस में दो छोटे न्यूक्लियस में तकसीम किया जाता है तो अब्सॉर्ब एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। 8 वाला है जी हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज मोर पेनिट्रेशन पावर, डज एलमी रेडिएशन में किसकी पेनिट्रेटिंग पावर्स ज्यादा होती है? गैमा पार्टिकल्स की। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हूज, ऐसी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट्स के एक ही एटम्स मुफसिल होते हैं जिनका मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होता है। व्हेन यूरेनियम इमिट इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर लेफ्ट इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस? 93। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप्स इज 1 डे, व्हाट इज द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप्स? एक मखसूस आइसोटोप्स की हाफ लाइफ 1 दिन है, 2 दिन गुजरने के बाद इस आइसोटोप्स की मिकदार क्या होती है? क्वार्टर, जो 1/4 हो जाती है। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 18 में भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन 100% हमारे पास आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग सलाहियत और आयोनाइजेशन से क्या मुराद है? नेम द टू यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के 2 इस्तेमालात लिखिए। व्हाट इज मीन बाय पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर से क्या मुराद है? राइट इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की मसावात लिखिए। डिफाइन हाफ लाइफ एंड हाफ लाइफ फार्मूला, हाफ लाइफ की तरीफ करें। राइट अ नोट, राइट अ नोट ऑन कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन पर नोट लिखिए। राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन की 2 खसूसियात तहरीर करें। डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की तरीफ करें। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तरीफ करें। डिफाइन आइसोटोप्स एंड गिव एग्जाम्पल। डिफाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरीफ करें। डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन, फ्यूजन रिएक्शन की तरीफ करें और इसकी मसावात भी लिखिए। एक्सप्लेन 4 हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के 4 खतरात बयान कीजिए। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज की 2 खसूसियात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तारीफ लिखिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग की मुख्तसर वजाहत कीजिए। यहाँ भी हमारे पास कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके साथ आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 18 के 100% वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल दे सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। द एक्टिविटी ऑफ सिंपल ऑफ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिस्क्राइब 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इज 50, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाउ रेडियो आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेसर्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। राइट सेफ्टी मेजरमेंट टू सेव द हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट में हमारे पास सिर्फ 1 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 18। यहाँ पे हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है 10th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इन सब नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ऑर्डर दीजिए। इन सब नोट्स की प्राइस है, अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं यू विल गेन 450 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2020 में, आपके 2020 में 450 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इन नोट्स से तैयारी करते हैं। इन नोट्स की जो प्राइस है वो है हमारे पास सिर्फ
950 रुपीज़। कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ कितनी 950 रुपीज़, सिर्फ 950 रुपीज़ है इन सब गेस्ट पेपर की जो प्राइस है, जिसमें TCS के सारे चार्जेस शामिल हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, ऑर्डर देना है TCS वाला, एक दिन के बाद आपको ये नोट्स आपके घर पर करा के जाएगा। और आपने कितने पैसे अदा करने हैं, सिर्फ 950 रुपीज़ आपने सिर्फ पे करने हैं। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपना मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करनी। यू आर अ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है।